अरे डक्स पे फिर रुको आराम से रुको गाइस ये बाहर ही रह गए। मैंने सोचा ये अंदर होंगे। हट जाओ नेम भाई, हटियो जरा। नेम भाई को हटा देता हूँ। देखिए एक डक्स पे भी उधर है, पता नहीं ये कैसे बाहर निकल गए और ये गीले भी नहीं है। ये सब गीले हैं गाइस, बारिश अचानक पड़ गई ना। मैं अभी आया, देखा ये बाहर थे, धूप की वजह से मैंने इनको बाहर कर दिया था गाइस। ये दोस्तों डक्स पे भी अंदर जा चुके हैं, अभी भीगना भी इनके लिए अच्छा नहीं होता है ना गाइस। और बाहर कुछ इस तरीके से हल्की हल्की बारिश अभी पड़ रही है गाइस। उधर हमारी बड़ी वाली डक्स है, खैर कुछ नहीं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सहन कर लेती ना। अरे दानिश भाई जल्दी आओ भाई, इधर को आओ, चलो इधर को आओ। आजो भाई घबरा रहे हैं। अरे घबराओ मत, इधर को डाल देता हूँ गाइस। आराम से यहाँ से निकल गए होंगे गाइस। ये टूट गया है ना, इनका नया केस लाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने डक्स बेबी को तीनों को एक जगह कर दिया है। एक बाहर चले गए थे ना बारिश की वजह से, भीगने की वजह से, छाया है ना इधर जो है, भीगेंगे नहीं है। ये घास है, अरे आप क्यों घबरा रहे हो? घास से लेते हैं गाइस, ये घास ठीक रहेंगी, ये खा लेते हैं ना डक्स बेबी। देखिए कैसा कर रहे हैं, देखिए कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। देखिए इनको बहुत पसंद है गाइस घास। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं जुनैद अंसारी ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत होती है गाइस बहुत ज्यादा बारिश के साथ। देखिए गाइस बारिश हल्की हल्की पड़ रही है, ज्यादा नहीं पड़ रही है, हल्की हल्की ही पड़ रही है गाइस। अब जो है सब पेट्स को जैसे बारिश रुक जाएगी ना थोड़ी सी, ऐसे ही बादल इधर से उधर कुछ ले आएंगे, जैसे उस दिन गए थे, धूप निकल जाएगी तो सब पेट्स को खोल देंगे। गाइस बारिश तेज होने लगी है, इसलिए मैं छाता लिया हूं नीचे से। आप जल्दी से अपने कबूतरों को देख लेते हैं, कबूतर की क्या हालचाल हो रहे हैं, कोई भीग तो नहीं रहा। जब तक हम कबूतरों को देखते हैं गाइस, जब तक आप सब्सक्राइब बटन दबा दो और लाइक का बटन दबा दो और एक आध मीठी सी कमेंट कर दो गाइस, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेट मिलता है गाइस, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है गाइस, कर दो। चलिए एक गाइस तो कबूतरों को देख लेते हैं। स्पीड भाई साहब और यहाँ पर कोसी भाई साहब दोनों एक साथ। अरे जो भाई साहब बाहर मत जाओ, बाहर ठंडा है, बाहर देखो ठंड लग सकती है, बारिश पड़ रही है। चलो अरे अंदर को जाओ। अरे थोड़ी देर इनको बाहर ही रहने देते हैं, जाओ फिर कहाँ जाने चाह रहे हो, जाओ। तो गाइस इधर कबूतरी कॉलोनी बिल्कुल ठीक लग रही है, इधर हमारे स्पीड भाई साहब। अरे स्पीड भाई साहब, कबूतरी कॉलोनी बिल्कुल ठीक लग रही है दोस्तों। हमारे वही वाले कबूतर है जिन्होंने अपना परी दरबा बना लिया है, इधर ही रहते हैं गाइस। इधर ही इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनको आरामदायक लगे। इधर दोस्तों पता नहीं क्यों अभी तक किसी ने अंडे नहीं दिए हैं दोस्तों, ये ठंड में ज्यादा देते हैं अंडे। अच्छी खबर यह है कि जब से बारिश पड़ी है ना, इनको थोड़ा सा मैंने बारिश में भीगने भी दिया, बारिश में भीगने दिया था तो इनकी जो गर्मी है ना अंदर की, वो निकलने लगी गाइस। अंदर की जो बीमारियां हैं सारी झड़ जाती है ना बारिश में नहाने से इंसानों की, और इनकी भी कबूतरों को भी पेट्स की भी सबकी बीमारी थोड़ी दूर हो जाती है बारिश की रहमत से, जिसकी वजह से इनकी जो आंखों में फोड़े हो रहे थे, दाने साने हो रहे थे, जो ये सारी दिक्कत थी ना, सारी की सारी दिक्कत खत्म हो गई गाइस। ये वाले कबूतर की भी दिक्कत हो रही थी बहुत, तो ये बिल्कुल बढ़िया हो गए हैं। यहाँ पर हमारे ये वाले कबूतर भी, लाल वाले कबूतर भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। गाइस बारिश बिल्कुल तेज हो गई है फिर से। देखिए दोस्तों बारिश बिल्कुल तेज हो चुकी है फिर से। इधर मेहमान भाई है जिनको कबीले ने दूर कर रखा है, रैबिट जितने कबीले है ना उन्होंने दूर कर रखा है। इधर पे मैं कर देते हैं क्योंकि ये भी भीग रहे हैं। तो भाई साहब आ जाओ। अब बाहर को बताना भीग जाओगे नहीं तो। दानिश भाई एक बात तो बताओ, कबीले ने तुम्हें तो अपना बना रखा है, अपने साथ ही रखते हैं, तो तुम इधर क्या कर रहे हो? चलो अंदर को जाओ। कहाँ जा रहे हो? अरे गाइस अच्छी बात है, छाया में चले गए। बजी इसको देख लेते हैं, खाना नहीं रखा है तो जल्दी से इनके लिए खाना रख देते हैं। दोस्तों फीड बिल्कुल भर चुकी है। देखिए एक आ रहे हैं, ये मुझसे घबरा रहे हैं, थोड़ा पीछे हट जाता हूँ गाइस। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया, आधा एक घंटा में लेट हो गया था, जिसकी वजह से ये नाराज भी हो गए होंगे मुझसे। अभी तो फिलहाल हमने इनका खाना रख दिया है, मजे से खा रहे हैं। देखिए अनस भाई आए, अनस भाई कह रहे हैं कि मुझे स्कूल छोड़कर आओ, और इतनी खतरनाक पड़ी है गाइस, स्कूल कैसे जाएंगे भाई, कैसे जाएंगे स्कूल? हाँ तो फिर आज की छुट्टी करेगा क्या? देखिए गाइस छुट्टी करने में तो बहुत खुश होता है। तो धूप हो गई है दोस्तों और सब पेट्स को खोल दिया है। देखिए उधर जोम्बिस भाई भी हैं, उधर अजूबे भाई भी हैं, इधर हमारे पहलवान भाई और हमारे बंटी भाई एक दूसरे से लड़ रहे थे। पहलवान भाई क्या हाल है? बंटी भाई पहलवान भाई से मत लड़ना, हार जाओगे। मिस भाई नीचे उतर जाओ, डक्स बेबी बाहर ही आ गए हैं। हाँ जी प्यारे प्यारे डक्स बेबी, चलो चलो डरो मत, आराम से धूप सेकते रहो गाइस। ये धूप सेकना आ गए होंगे, ये अभी भीग गए थे ना, बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही थी, अभी सूखना आ गए बाहर। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आएगी, और बहुत जल्द मोबाइल आने वाला है दोस्तों, कोई भी वीडियो मिस मत करना। लगातार लॉन्ग वीडियो आ रही है, शॉर्ट वीडियो भी आ रही है, एक दिन शॉर्ट वीडियो आ रही है गाइस। सब पेट्स को अब फिलहाल खोले रहने हुआ, और इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आ जाता हूँ गाइस। और देखिए कभी बारिश पड़ी है, कभी धूप निकल रही है, आजकल ऐसी मौसम हो रहा है गाइस, इसलिए बहुत से काम पेंडिंग में है। न्यू सरप्राइज भी तो लाने हैं गाइस, मुरादाबाद जाकर न्यू सरप्राइज भी लाने हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको कल, प्रॉपर से बाय।